उतार बहुत टाइम लग जाएगा, तो भाई सब पलटे देते हैं। कितने से मोटर ना, अभी वो डिब्बे रखे हैं मोटर के भाई। गाइस देखिए भाई, जो 775 मोटर होता है, 555 के 550 हो गए, इनमें तो काफी टॉर्क होता है और आरपीएम भी होते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस ये 130 नंबर जो मोटर होता है, ना तो इसमें टॉर्क होता है ना इस पर ज्यादा आरपीएम होते हैं। और गाइस बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मोस्टली इसी मोटर का बनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, लोकल मार्केट में 10-15-20 रुपए का मिल जाता है। तो गाइस ऐसा क्या किया जाए इसका टॉर्क बढ़ जाए और भाई इसके आरपीएम भी बढ़ जाए और फ्रेंड्स इसका काफी प्रोजेक्ट में यूज किया जा सके। तो गाइस क्या हो अगर भाई हम 3 मोटर या 2 मोटर या 4 मोटर एक साथ कंबाइन कर दें। तो गाइस यकीन मानिए आज भाई हम इन मोटर को आपस में जोड़ने वाले हैं बिल्कुल अलग टेक्निक से। प्लीज दोस्तों जो कंप्लीट वॉचेज का बहुत मजा आया स्पीड में, चलेगा चलते अपने टॉपिक पर, समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस अभी तक आपने कुछ इस तरीके से इन मोटर को आपस में जोड़ते हुए देखा होगा, यहाँ पर कुछ शाफ्ट कनेक्टर लगा देते हैं या भाई कुछ जुगाड़ करके इस तरीके से जोड़ देते हैं। लेकिन गाइस हम भाई बिल्कुल अलग तरीके से जोड़ने वाले हैं। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को खोल लेंगे। खोलना भाई बहुत इजी है, बच्चों का खेल है और बच्चे से खोल लेते हैं। देखिए ये भाई वाह, थोड़ा कितने हल्के कर दिया यार, पहले काफ़ी भारी हमारा चलाता था इनके, लेकिन काफ़ी हल्के कर दिए। तीनों को अलग अलग बिल्कुल हमें निकाल लेना है बहुत फटाफट। ये थोड़ा पुराना मोटर है, देखिए। खैर हमें क्या मतलब, हमें तीनों की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो भाई पहले इन कवरों को इस तरीके से आगे करके देख लें, कटिंग किस किसकी करनी है, इसकी कटिंग करनी है, इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल यहाँ से काट देना है। तो भाई इनकी मैग्नेट निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए ये क्लिप निकाला और मैग्नेट बाहर। इसमें काफ़ी चिप्स आ गए ना कटने के बाद, छोटे छोटे हम साफ कर देंगे। तो दोनों की मैग्नेट निकाल ली है और भाई दोनों की क्लिप भी बाहर आ गए। इनकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो भाई ये बिल्कुल अच्छे से कट चुके हैं गाइस, अब हमें इन्हें सोल्डिंग करके जोड़ना है। लेकिन भाई ऐसे नहीं जुड़ेंगे जब तक इन्हें थोड़ा सा घिसे ना, घिसने के बाद बहुत अच्छे से सोल्डिंग हो जाएगी। तो भाई तीनों बिल्कुल अच्छे से चमक चुके हैं, अब इन्हें जोड़ते हैं। एक बात का ध्यान रहे गाइस, ये वाला जो एरिया है ना ये नीचे रहना चाहिए, चाहे वाले कर लो ये वाला कर लो, एक ही बात है, ये इस तरीके से घूम जाएगा। लेकिन मैंने इसे दो तरफ से घिसा है क्योंकि फ्रेंड्स ये बिल्कुल बीच में सोल्डिंग होगा, तो मैं फटाफट इस पर सोल्डिंग करके इसकी एक पूरी बॉडी बना देता हूँ। तो भाई ये तो बिल्कुल ऐसा जुड़ चुका है जैसे कभी टूटा ही नहीं था, काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ चुका है। अब इसमें भाई मैग्नेट लगा देते हैं हाथों हाथ, क्योंकि आगे दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लिप जरूर लगाएं वरना ये बाद में निकल जाएगी। तो ले गाइस देखिए दोनों मैंने मैग्नेट लगा दिए, इस साइड भी और इस साइड भी क्लिप लगा दिए, निकलेगा नहीं। और गाइस इसमें ऑलरेडी मैग्नेट लगी हुई है, ठीक है, मैंने इसमें निकाली नहीं थी, अब मैं इस पर भी सोल्डिंग कर देता हूँ। लीजिए गाइस बन चुके हमारे मोटर की बॉडी और काफी मतलब अजीब सा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है और भाई काफी लंबा हो गया है देख सकते हो। और अगर मैं ऐसा लगाऊं तो मोटर देखिए लेंथ देखते हैं, लगभग 6.5 सेंटीमीटर। 3 मोटर थे तो भाई 3 इसके आर्मेचर है, तो इनके वायर निकाल लेते हैं। और अभी मैं क्या जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, पहले इनके वायर निकाल लेते हैं। तो भाई इसमें लग रहा है एल्युमिनियम का वायर जो कि बिल्कुल देखिए नहीं टूट जाता है और बहुत जल्दी हीट होकर खराब भी हो जाता है, जल जाता है। हम ये गलती नहीं करेंगे, पहले से निकाल लेते हैं। गाइस देखिए इसका आर्मेचर है और भाई इसका कम्यूटेटर है, ठीक है। तो गाइस देखिए हमें इसका कम्यूटेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे फिलहाल निकाल लेता हूँ। और इसके देख सकते हो ये जो पार्ट है छोटे छोटे फिन्स टाइप के, इन्हें निकाल देना है। यहाँ पर आपको पहले बता दूं गाइस यहाँ मैंने 4 आर्मेचर लिए हैं, वजह गाइस ये देखिए अगर मैं 3 लेता तो बहुत कम बैठते, जबकि गाइस मोटर की जो लेंथ है वो काफी लंबी है। देखिए अगर मैं आपको ऐसे मोटा मोटा दिखाऊं, देखिए तो भाई बीच में आ जाते, तो मैंने भाई 1 आर्मेचर और ले लिया है। अब मैं इनके फिन्स निकाल लेता हूँ। तो काफी सारे निकल गए यार ये देखा जाए तो, और प्लास्टिक के भी काम में लेंगे हम, तो प्लास्टिक रख देते हैं। अब गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, दिक्कत गाइस यह है कि शाफ्ट जो मोटर की शाफ्ट है ये काफी छोटी है। देखिए या तो भाई इन्हें आपस में जॉइंट किया जाए जब काम हो जाएगा, देखिए इजीली हो जाएगा, लेकिन जॉइंट करते गाइस वो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल सीधी नहीं हो पाएंगी। तो चलेगा इसके शाफ्ट लेने बाहर चलते हैं, वैसे इसकी शाफ्ट मिलेगी नहीं, लेकिन हमें कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा इसके शाफ्ट के लिए। तो ये भी लग जाएगा, ये थोड़ा मोटा है लेकिन यार ये ठीक लग रहा है मेरे को, ये भी ले लो थोड़ा लूज चल जाएगा, तो एक जाली ले लेते हैं बाद में काम आएगी। एक आगे मुझे बना दो। हेलो तुम्हारा भी आ गया, मैं तो अभी बना, हेलो कर दो, हेलो हेलो देखो तुम अभी बना रहे, हमारा बंद कर दिया, इन्हें सामान मंगा रहे हो।
तो गाइस मैं लेकर आया हूँ भाई, आपको पता है मैं क्या क्या लेकर आऊँ? देखिए साइकिल की स्पोक जो मैंने दिखाई नहीं है पहले लेकर मैं आया हूँ, और भाई ये जो जाली होती है ना कूलर की वो लेकर आऊँ, और भाई जो अम्ब्रेला होता है छाता उसकी देखिए किस तरह की तिल्ली। आपको पता कैसे लगेगा कि भाई इसमें कौन सी पिटारी है? इसके अंदर देख लेते बुश लगा है, जैसे कि गाइस ये इस मोटर के अंदर आ रहा है, ठीक है ठीक आ रहा है, ये नहीं आएगा। और अम्ब्रेला की देखते हैं, हाँ देखिए ये बिल्कुल फिट आ रही है, बहुत बढ़िया। और भाई कूलर की जाली भी देख लेते हैं, देखिए ये भी बिल्कुल फिक्स आ रही है, ज्यादा लूज नहीं है, ज्यादा टाइट नहीं है, बिल्कुल फिक्स। तो आप इसे ले सकते हो या आप अम्ब्रेला की तिल्ली भी ले सकते हो। तो चलिए बंधु अब इसे लगाते हैं। लगाने के लिए भाई सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे, जितना मर्जी आप कट कर सकते हो लंबा या छोटा, इसे थोड़ा सा बस बाहर रखें निकाल के, अगर डबल शाफ्ट बनाओ डबल शाफ्ट पे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गाइस तिल्ली लाते वक्त एक बात का ध्यान है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये टेढ़ी बिल्कुल नहीं चलेगी, हल्का हल्का तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने काफी इसे कट कर लिया है, वो निकाल दे, और देखिए अभी से मोटर वाली फीलिंग आ रही है, ड्यूअल शाफ्ट मैंने बनाई है। चलिए भाई अब आते हैं आर्मेचर कोर पर, देखिए इसे तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, अब फटाफट कोर लगाते हैं। तो मैं कोर इसमें सारे डाल देता हूँ फटाफट, इतना काफी ठीक है और काफी मस्त भी लग रहा है, थोड़ा वेट से लग रहा है, हाँ कि हाँ डंबल टाइप का बन गया है। गाइस अभी ने बिल्कुल सीधा कर लेंगे एक डायरेक्शन में, जैसे इस तरीके से डायरेक्शन है, जिस तरह से वाइंडिंग भी कर सके। तो गाइस कम्यूटेटर तो भाई वाइंडिंग के लिए तैयार है, और मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है, आप जितना मर्जी से रख सकते हो। देखिए तो भाई इसे मैंने रखा है इतना बाहर, तो ड्यूअल शाफ्ट को बना रहा हूँ, अब फटाफट इसकी वाइंडिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 30 SWG का वायर, 30 गेज का वायर, और भाई ये कॉपर में है, किसी एक पर भी कनेक्शन कर ले और भाई बस वाइंड करना शुरू। और कितने टर्न इसमें मैं लगाऊंगा ये आपको भी पता लग जाएगी, 3, 4, 7, 15, 20, 27 और 30। तो गाइस मैंने 30 टर्न लगाए एक में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इसे सोल्डिंग कर देंगे, और गाइस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस ला के देखिए इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। हमारा आर्मेचर तैयार, बस पर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो लीजिए गाइस हमारा आर्मेचर कंप्लीट हो गया है, कम्यूटेटर मैंने अच्छे से वायरिंग कर दी है, सोल्डिंग कर दी है, और कैसा अजीब सा लंबा लंबा लग रहा भाई। तो आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा बड़ा छोटा कैसे मर्जी बना सकते हो, चाहे तो गाइस आप यहाँ पे 2 मोटर जोड़ सकते हो, 4 जोड़ सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। चलिए अब भाई इसे इसमें लगा देते हैं, ये तक चार्ज लगेगा, देखिए मैंने ये भी लगा दिया है वाशर टैप के अंदर, लग गया है। हो लीजिए भाई हमारा मोटर हो गया है कंप्लीट, इसके लॉक लगा देते हैं जो ये खुले नहीं, और देखते हैं भाई भाई देखिए घूम तो रहा है भाई। तो चले गए सब इसकी टेस्टिंग करते हैं भाई, सिंगल है और ये ट्रिपल है, और देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स ये तो आप खुद ही जानते हो भाई, इसका टॉक ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आरपीएम के तो पता नहीं, हाँ टॉक ज्यादा हो जाएगा, और भाई इसका भी देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले गए इसे चला के देखते हैं, देखो ऐसे रुक जाएगा यार, देखिए रुक गया, देखिए रुक गया, देखिए चिंगा जोटे, देखिए हाँ रुक गया। अब गाइस इसका देखते हैं भाई इसका क्या होता है, देख गाइस क्या आ रहा है, देखिए हो भाई हाथ जला दिया, काफी पावरफुल है बॉस, देखिए आप देखिए भाई क्या स्पीड है गाइस, देखिए स्पीड काफी हाई है। तो भाई इस पर टेप लगाते हैं सबको, देखिए वैसे आवाज आप इसकी सुन सकते हो, आवाज बड़ी बेसुरी आवाज आ रही है जो बात है भाई, वाह गाइस स्पीड देखिए मस्त 3.7 वोल्ट पे स्पीड है गाइस, ये देखिए बेहतरीन जो बात है गाइस, 100% वर्किंग मस्त काम कर रहा है, देखिए आप ऐसा बना सकते हो, काफी हाई टॉक है इसका, आप और बढ़ा सकते हो गाइस, लेकिन इसका हाई टॉक है काफी, देखिए दोनों शाफ्ट दोस्तों बहुत मस्त काम कर रहा है, अगर मैं इसे ज़्यादा वोल्टेज दूंगा तो गाइस ज़्यादा तेज चलेगा, ये ओनली 3.7 वोल्ट पर काम कर रहा है, चलिए थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज देके देखते हैं। तो गाइस इस बार मैंने 3 बैटरी सीरीज में कर दिया और ये अप्रॉक्स 12 वोल्ट बैठेगा, और देखते हैं चला के मेरी जान दे गाइस, देखिए देखिए क्या मस्त स्पीड है, देखिए। और एक चीज़ गाइस और मैं आपको बिल्कुल अभी लाइव दिखाऊंगा खोलकर, कभी आपको समर फेंक है बिल्कुल भी नहीं देगी, देखिए देख स्पीड देख सकते गाइस, देखिए आरपीएम देखिए। अब चलिए मैं आपको इसे खोल कर दिखाता हूँ, पहले मैं स्टेप को हटा लेता हूँ, देखिए कोई कट नहीं, देखिए देख सकते गाइस वो ये काम कर रहा है, देखिए
वो यहाँ मिल जा रहे हैं। आई फ्रेंड्स, ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा, कुछ यूनिक लगा होगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और भाई जो पता है ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।